समाचार माध्यम हो या सोशल मीडिया, हर तरफ तीसरी लहर की आशंका से पटा है। तो हमारी क्या तैयारी है? सरकारें जो करेंगी सो करेंगी, हमें भी तैयार रहना होगा, लड़ना होगा इस जंग को हिम्मत से, डर के नहीं डट कर। ऐसे समय में जबकि हमारी सबसे बड़ी जमा पूंजी यानी हमारे बच्चे, उन पे इस खतरे की आशंका जताई जा रही है, तो ऐसे में हम क्या करें? आज हम बताएंगे आपको वो तैयारियां जो करके तैयार रहेंगे आप इस तीसरी लहर की ऐसी तैसी करने को, या हो सकता है तीसरी लहर को रोक भी दें। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विधुभूषण और आप देख रहे हैं दिनकरेंद्र लाइव। आपदा हो या बीमारी, दुश्मन हो या आक्रमणकारी, हमला उसी पे सफलतापूर्वक कर सकता है जो मोर्चा कमजोर हो। ऐसे में जरूरी है कि हम अपनी इम्यूनिटी के साथ साथ अपने बच्चों की भी इम्यूनिटी मजबूत करें, ताकि मुकाबले के लिए वो तैयार रहें। हम चर्चा करेंगे कि बच्चों को वो कौन सा आहार दें जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत हो और किसी भी रोग से, बीमारी से वो बचे रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही ये भी बताएंगे कि अगर आपका बच्चा कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं पसंद करता है या वो चीज़ नहीं लेता है, खान पान में उसको चीज़ पसंद नहीं है, या आपके पास समय नहीं है उन चीज़ों को देने की, तो फिर उसका क्या उपाय है, उसको भी आज बताएंगे। ऐसा एक फार्मूला भी आपको देंगे जो न सिर्फ बीमारियों से बच्चों को बचाएगा बल्कि वो उनको पसंद भी आएगा। लेकिन पहले आइए देखते हैं कि क्या क्या वो जरूरी खाद्य पदार्थ हैं जिनके द्वारा उचित पोषण मिलता है और कौन से पौष्टिक पदार्थ मिलते हैं जिससे कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है और पोषण मिलता है। तो आइए इस तैयारी को मजबूत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं दूध से। दूध, जैसा कि आप जानते हैं, एक अपने आप में एक पोषक आहार है, बड़े बच्चे बूढ़े सबके लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन बहुत से बच्चे इस दूध को पीना पसंद नहीं करते हैं और दूध नहीं पीना चाहते हैं, तो इसके लिए तमाम तरह की चॉकलेट कंपनियां तमाम तरह के फ्लेवर लेके आती हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन वो बढ़ते बच्चों को मजबूती के लिए, हड्डी को मजबूत करने का दावा करती हैं, लेकिन वास्तव में वो न्यूट्रिशन कंपनियाँ नहीं हैं, वो केवल और केवल एक चॉकलेट कंपनियां हैं। वो चॉकलेट फ्लेवर डालती हैं, चीनी, चॉकलेट, कोकोज डाल करके वो बच्चों को देती हैं, जिसे बच्चे पसंद तो करते हैं लेकिन उससे उन्हें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं मिलता है, बल्कि वो नुकसान ही पहुंचाती हैं। ऐसे में आपको न्यूट्रिशन से भरपूर हर्बल लाइफ का डायनोसेक इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, यही है वो फार्मूला हर्बल लाइफ का डायनोसेक, जिनका इस्तेमाल आप करेंगे तो डायनोसेक के साथ साथ दूध को ऐसे चट कर जाएंगे जैसे कि कोई चॉकलेट, टॉफी या कोई भी टेस्टी चीज पसंद करते हैं, और मिलेगी भरपूर पौष्टिकता और ऊर्जा जो कि बीमारियों से लड़ने में सहायक है। मैंने इसे अपने बच्चे पे आजमाया है, उसकी कमजोर इम्यूनिटी को मजबूत किया है। वो बुखार से ग्रस्त था, उसका बुखार जल्दी ठीक नहीं हो रहा था, और जब मैंने उसे डायनोसेक दिया, काफ़ी एनर्जी और ऊर्जा आ गई। साथ ही वो बच्चे को काफ़ी पसंद आया और काफ़ी टेस्टी भी है। डायनोसेक के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो उसकी वीडियो मैंने पहले से ही बना रखी है, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन में भी है और आई बटन पे भी है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हो सकता है इन स्क्रीन पे मैं डाल दूँ तो वो आप वीडियो देख लेना। बात करते हैं आगे कुछ और खाद्य पदार्थों की। सबसे पहले हरी सब्जी, हरी पत्तेदार सब्जियाँ सबसे अधिक ज़रूरी हैं, न सिर्फ बड़ों के लिए बच्चों के लिए भी, जो कि बढ़ते हुए बच्चों को और भी पोषण की आवश्यकता होती है और बच्चों की इम्यूनिटी वैसे भी थोड़ी कमज़ोर होती है, कारण कि बच्चे अभी इस धरती पर नए नए आए हैं, वे तमाम तरह की बीमारियों और वातावरण से उसको एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो जैसे जितना भी बच्चा छोटा होगा उतना ही उसे एडजस्ट करने में दिक्कत आती है, तो ऐसे में बच्चों को हरी पत्तेदार सब्जी जरूर दें। अगर बच्चा छोटा है तो उसको उस हिसाब से दें जैसे वो यूज कर सके। हरी पत्तेदार सब्जियों में गोभी, ब्रोकली, पालक का इस्तेमाल करें। इनमें विटामिन ए, बी, सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिशंस के अलावा बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और रोगों से लड़ने में सहायता देते हैं। दालों का भी इस्तेमाल वयस्कों के साथ साथ बच्चों को भी करना चाहिए, क्योंकि दालों में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम और एसेंशियल विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि बच्चों को बढ़ने में, उनकी हड्डियों को मजबूत करने में और इम्यूनिटी को मौजूद करने में मदद करते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है अनाज का। तो अनाज में आप बच्चों को मल्टीग्रेन अनाज दें, कभी गेहूं, कभी जौ, कभी मक्का, कभी ज्वार, कभी बाजरा, तरह तरह के अनाजों का इस्तेमाल आप करें।
7 दिनों में 7 तरह का अनाज इस्तेमाल करते हैं तो और भी अच्छा होगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है खट्टे फल। खट्टे फल विटामिन सी से भरपूर होते हैं। कीनू, संतरा, मौसमी, नींबू खाने में और जूस के रूप में नियमित रूप से देने से बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ में इनका फिजिकल और मेंटल ग्रोथ प्रॉपर ढंग से और बेहतरीन तरीके से होता है। बच्चों को सूखे मेवे, सूखे मेवे में काजू, किशमिश, पिस्ता सब जानते ही हैं। अगर थोड़े महंगे पड़ते हैं, आपका बजट इतना नहीं है या बच्चा पसंद नहीं करता कोई कारण हो, तो मूंगफली, नारियल, अलसी, तीसी के बीज, कद्दू के बीज भी अच्छी एनर्जी देते हैं। ऐसा नहीं कि केवल सिर्फ काजू बादाम ही देते हैं। काजू बादाम के अलावा आप कद्दू के बीज, अलसी के बीज, तिल के बीज, इसमें भरपूर मात्रा में गुड फैट, प्रोटीन, विटामिन सी पाए जाते हैं जो कि हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं और बच्चों की बॉडी को भी सुरक्षित रखते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण सुपर फूड है दही। दही में पाया जाता है गुड बैक्टीरिया, जैसे हम प्रोबायोटिक्स करते हैं जो हमारे आंतों में जा करके उसके पाचन तंत्र को अच्छा करता है और हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है, क्योंकि पेट को कहा गया है कि वो हमारे शरीर का पावर हाउस है। अगर पेट अच्छा होगा तो पूरी पावर सप्लाई अच्छी होगी। तो ये जो पावर हाउस है, उस पावर हाउस को बेहतर करने के लिए दही बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रतिदिन दही का इस्तेमाल अपने बच्चों को जरूर करवाएं। अगर करवा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करवा रहे हैं तो अभी शुरू कर दें। अगला नंबर आता है हल्दी। हल्दी यानी टर्मरिक में कर्क्यूमिन नामक एक तत्व पाया जाता है, जिसके कारण से हल्दी में एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लामेटरी पावर देता है, जिससे कि शरीर में कहीं भी सूजन हो, दर्द हो, कहीं भी बैक्टीरिया हो, हल्दी उसका नाश कर देती है। इसलिए प्रतिदिन हल्दी का भी इस्तेमाल आवश्यक है। वैसे हमारे भारतीय खान पान में तो हल्दी होती ही है, लेकिन अलग से बच्चे को दूध में हल्दी गर्म करके या ऐसे गुनगुने पानी के साथ थोड़ी हल्दी आप दे सकते हैं। ये रही मेरी तरफ से छोटी छोटी बातें आपके बच्चों को सुरक्षा देने के लिए। अगर आपके पास भी कोई जानकारी है ऐसा जो मुझसे छूट गई है, या कोई सुझाव शिकायत है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, और नहीं पसंद आई तो क्यों पसंद नहीं आई ये भी बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।